हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। हमने बात करी है प्रीवियस चैप्टर में फंगाई के बारे में, डिटेल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। अब फंगाई को हमने बात किया था कि बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, लाइक माइसीलियम किस तरह का है, स्पोर किस तरह के बन रहे हैं, या उसमें फ्रूटिंग बॉडीज किस तरह की बन रही है, उसके बेसिस पे उसको चार कैटेगरीज में, क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फाइगोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो सबसे पहला कैटेगरी हम ले रहे हैं फाइगोमाइसिटिस, ठीक है। इनको एक लोकल नेम या कॉमन नेम भी जो बोला जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज दी एल्गल फंगाई, ठीक है। एल्गी हम जनरली बात करते हैं, वैसा फंगाई इसको बोलते हैं, इट्स नॉट एल्गी, ठीक है, ओके। जनरली कहाँ मिलता है, जो एक्वेटिक हैबिटेट, मतलब जहाँ मॉइस्चर कंटेंट होता है वहाँ पे ही ज़्यादा मिलते हैं, एक्वेटिक एनवायरमेंट में मिलते हैं। दे आर सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स यानी कि क्या, जो डेड डीके मैटर होता है, ट्विग्स होती हैं, डीके मैटर होता है, वहाँ पे ये जनरली रहता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, डीके मैटर्स पे। नाउ दे आर ऑल्सो एज अ एक्टिंग एज अ पैरासाइट्स। एज आई टोल्ड यू, फंगाई पूरी फंगल कैटेगरी इज हेटरोट्रॉप्स, मतलब क्या, दूसरों पे डिपेंड करती है। अब हेटरोट्रॉप्स में दो तीन कैटेगरीज है, उसमें से एक कैटेगरी है दैट इज सेप्रोफाइट्स और दूसरा क्या है, पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब दे हैव टू बी पैरासिटिक, बिना पैरासाइट्स के ये सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है माइसीलियम। अब देखो इसमें माइसीलियम के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, या तो माइसीलियम सेप्टेट होता है या एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट मतलब पूरे माइसीलियम में कहीं भी क्रॉस वॉल नहीं होती, तो यहाँ पे भी कैसा है, एसेप्टेट, यानी कि जैसे देखो अगर ये माइसीलियम है लाइक दिस, तो यहाँ पे बीच में कहीं भी क्रॉस वॉल नहीं है और न्यूक्लियस जो है दे बिकम कंटिन्यूस, दे बिकम कंटिन्यूस। उसको एक और कंडीशन बोलते हैं सीनोसिटिक। तो हम बोल सकते हैं माइसीलियम इज सीनोसिटिक हाइफे, यू नो हाइफे से मिलकर ही माइसीलियम बनता है, सो इट्स एसेप्टेड या सीनोसिटिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, याद रखना है हमको, ओके। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज यू नो स्पोर्स की वजह से ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दोनों तरह के स्पोर्स बनते हैं, जू स्पोर्स भी बनते हैं और क्या बनते हैं, एप्लेनोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, ठीक है। जू स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल, एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल, ओके। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी तो तीन तरह के गैमीट्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी कि क्या बनना है, उसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होना है। अब अगर गैमीट्स ये सेम होते हैं देन दे आर कॉल्ड आइसोगैमस, एनाइसोगैमस डिफरेंट होते हैं, उसमें भी एक पर्टिकुलर सिर्फ साइज के बेस पे, कि जो लार्ज साइज का गैमीट है उस वो फीमेल का होता है और नॉन मोटाइल होता है, एंड स्मॉल जो होता है वो मेल का होता है एंड इट इज़ मोटाइल, तो उसको हम बोलते हैं ऊगैमस। तो किसी भी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, बट हमको मालूम है गैमीट जब फ्यूज़ होते हैं, ये फ्यूज़ होते हैं, प्लाज्मोगैमी होता है पहले, फिर कैरियोगैमी, ये सब मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर मियोसिस होता है, तो जो जाइगोट बनता है उसको ही, मतलब लाइक इसके थ्रू, ये सब के थ्रू क्या बनते हैं, या तो ऊस्पोर्स बनते हैं या फिर जाइगोस्पोर्स। यू रिमेंबर जो जाइगोट बनता है उसी को ही हम बोलते हैं जाइगोस्पोर या ऊस्पोर, ओके, डिपेंड ये किस में कंडक्ट हो रहा है, ओके। सो ये तो कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई। नाउ अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो म्यूकर, राइजोपस, इसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, एंड एल्बुगो, ये जनरली किस पे पैरासाइटिक होता है, मस्टर्ड पे होता है। मस्टर्ड प्लांट के अंदर ये क्या बना कॉज करता है, एक डिजीज़ कॉज करता है, दैट इज़ वाइट रस्ट डिजीज़, नाम याद रखना, डिजीज़ का कैसा कर देता है, उस मस्टर्ड में वाइट रस्ट डिजीज़ करता है, वैसे वाइट स्पॉट क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने शो किया है किसका, राइजोपस का। यहाँ पे जो एक फ्रूटिंग बॉडी टाइप स्ट्रक्चर बन रही है दैट इज़ कॉल्ड स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियम यू कैन से, ठीक है। एंड ये जो स्टाइल्क लाइक स्ट्रक्चर जिस पे ये फ्रूटिंग बॉडी है दैट इज़ कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर, ठीक है, स्पोरेंजियोपोर।
मतलब इसके ऊपर स्पोरेंजिया बियर कर रहे हैं। इस स्पोरेंजिया के अंदर ही क्या है, स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूसिंग। ओके, नीचे यहाँ पे आप देखते हो एक हाइफे है, दैट इज कॉल्ड स्टोलोनिफेरस हाइफे, और नीचे की तरफ जो है दैट इज कॉल्ड राइजोइडल हाइफे, मतलब रूट की तरह काम करता है, तो इसलिए उसको दो अलग अलग टाइप का हाइफे बोल दिया, बट ओवरऑल इट इज हाइफे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइकोमाइसिटिस, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा दैट इज एस्कोमाइसिटीज। ये एस्कोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सैक फंगाई, याद रखना सैक फंगाई। देखो इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि फंगाई कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, बट हेयर इज वन एक्सेप्शन दैट इज यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल इज ईस्ट। ईस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस, एंड मल्टी सेलुलर लाइक एग्जाम्पल पेनिसिलियम। ठीक है, सेप्रोफाइट्स होते हैं। नाउ सेप्रोफाइट्स में भी दो कैटेगरी हो गई, वन इज डीकम्पोजर, जितने भी डिके डैड मैटर है वहाँ पे उन सबको क्या करते हैं, ये डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है, और सेकेंड इज कॉप्रोफिलस, जो डंग मैटर होता है, ठीक है, डंग होता है, गोबर होता है, डंग मैटर होता है, उस पर जो ही सर्वाइव करते हैं, दे आर कॉल्ड कॉप्रोफिलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना टर्म। ठीक है, नाउ दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ पैरासाइट्स, दूसरे पे लाइव होस्ट पे डिपेंड करते हैं। माइसिलियम यहाँ पे कैसा रहता है, इट इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। ठीक है, कैसा रहता है, सेप्टेट रहता है और ब्रांचिंग निकली रहती है, जैसे आप देख रहे हो, ये देखो पूरा माइसिलियम है, यहाँ ब्रांचिंग शुरू हो रखी है, सो दैट इज कॉल्ड ब्रांच। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है, इसमें नॉन मोटाइल स्पोर क्रिएट होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। प्रीवियस फाइकोमाइसिटिस में मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों रहते हैं, बट यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर को एक पर्टिकुलर नाम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोनिडिया। क्या बोलते हैं, कोनिडिया। तो कैन यू सी, दीज आर राउंड स्ट्रक्चर, दे ऑल आर कॉल्ड कोनिडिया। ठीक है, ओके, नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, इसमें क्या होता है, अगेन यू नो प्लाज्मोगैमी होगा, फिर उसमें कैरियोगैमी होगा, एंड देन जाइगोट में मियोसिस होगा, और उसके बाद ही स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। जो जो स्पोर्स यहाँ पे बनते हैं उनको हम बोलते हैं एस्को स्पोर्स, और ये एक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, मतलब लाइक आप ऐसे बोल सकते हो कि एक ये एस्कस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन गए। ठीक है, तो ये जो एस्कस है, इट इज़ अ सिंगुलर, प्लूरल एस्काए, तो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है, और ये पूरी स्ट्रक्चर भी एक और फ्रूटिंग बॉडी, एस्कोकार्प यहाँ पे क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, ये इसका स्पेशलाइज करेक्टर है। ठीक है, ये एस्कोकार्प पे प्रेजेंट होते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँ तो कैसा रहता है, इट इज़ अ एस्कोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी कुछ इस तरह से रहती है, मतलब एक ना बॉल सॉर्ट ऑफ आप समझ सकते हो, जहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। यहाँ पे बहुत सारे सारे माइसीलियम प्रेजेंट है जिसमें ये एस्कोकार्प बन रहा है। ठीक है, और उस एस्कोकार्प के अंदर एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट है, लाइक दिस। सॉरी, गेट इट, कुछ आइडिया आ रहा है, एक बोल है जिसमें बहुत सारी माइसीलियम प्रेजेंट है, उस माइसीलियम के अंदर स्ट्रक्चर बन रही है, दैट इज एस्कस और एस्काए, जिसके अंदर एस्को स्पोर्स बन रहे हैं। ठीक है, चलिए एग्जांपल की बात करते हैं, तो पहला एग्जांपल है यहाँ पर एस्परजिलस। क्या है, एस्परजिलस एस्कोमाइसिटिस, कनेक्ट करके देख लो, एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा, न्यूरो न्यूरोसाइंस, थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड है, तो ये जनरली कहाँ यूज़ होता है, बायोमेडिकल में, और जेनेटिक जो रिसर्च होती है उन सब में, जेनेटिक वर्क जो होता है वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। पेनिसिलियम का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है, ये एक ड्रग हमें बनाता है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ड्रग क्रिएट करता है, दैट इज़ पेनिसिलिन, जो बहुत ज़्यादा यूज़ ली जाती है। सैक्रोमाइसिस ईस्ट जो है, ये जनरली कहाँ यूज़ होता है, बेकिंग और ब्रूइंग इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि हम यहाँ घर में भी केक बनाने में, या फिर हम जो भी बैटर बनाते हैं, जितना भी इडली का बैटर बनाते हैं, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस सैक्रोमाइसिस, उसकी वजह से वो फ्लफिंग क्रिएट होती है। एक और एग्जांपल है मोरल एंड ट्रफल्स, ये क्या है, दे आर एडिबल फंगाई, मतलब खाने में यूज़ हो रहे हैं डायरेक्टली। ओके, तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर मैंने बताई है, दो स्ट्रक्चर, कैन यू आइडेंटिफाई दीज टू स्ट्रक्चर, कम ऑन टेल मी। ओके, लेट मी नो, लेट मी टेल यू, सॉरी, पेनिसिलिन सीलियम, ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलियम, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्परजिलस।
नाइजर बोलते हैं, एस्परजिलस नाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा हाइफे है जो सेप्टेट है, क्रॉस वॉल प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, ये वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कोनिडिया। ये क्या है, ए सेक्चुअल स्ट्रक्चर है, कन्फ्यूज मत होना। कोनिडिया इज अ ए सेक्चुअल स्ट्रक्चर एंड एस्कोस्पोर इज अ सेक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है, क्लियर हुआ इसको। माइसिटीज थर्ड कैटेगरी, दैट इज द बेसिडियोमाइसिटीज। क्या बोलते हैं इसको, वी कॉल इट एज अ क्लब फंगाई, याद रखना नाम, क्लब फंगाई। नाउ दे आर सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स होते हैं डिकिंग मैटर, वुड लॉग्स, ट्री स्टम्स और भी बहुत सी चीज़ें जो डिके मैटर हैं उन सब पर प्रेजेंट होती है। पैरासाइट्स कुछ डिजीज कॉज करते हैं जैसे कि रस्ट और स्मर्ट डिजीज, जनरली जितने भी सीरियल्स होते हैं उनमें ये डिजीज कॉज करते हैं। माइसीरियम यहाँ पे कैसा होता है, इट इज़ ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ठीक है, जैसा कि एस्कोमाइसिटीज में था। ओके, नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे मिलता है, क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, कि माइसीलियम सेप्टेट जो माइसीलियम है वो फ्रेगमेंट में डिवाइड होगी और फिर हर फ्रेगमेंट एक न्यू बॉडी जनरेट कर लेगा। बट एसेक्सुअल यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब सेक्सुअल में भी क्या होता है, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन तो नहीं प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन तो एब्सेंट होते हैं, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। सी, हमने बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन स्टेज है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस इन द जाइगोट। तो प्लाज्मोगैमी में यहाँ पे क्या होता है, दो सोमेटिक सेल या फिर वेजिटेटिव सेल जो है किसी भी दो डिफरेंट जीनोटाइप या डिफरेंट स्ट्रेन की, स्ट्रेन या एक ही जीन्स का अलग 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 वैरायटी, दैट इज स्ट्रेन, ठीक है। तो उन दोनों में अगर फ्यूजन हो जाए, किस में होगा, सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल में, ये फ्यूज होकर एक स्ट्रेक स्ट्रक्चर बनाती है जहां पर ये दोनों सेल, सपोज ये दो सेल है, ये दोनों फ्यूज हुई, तो इस दोनों सेल के बीच में जो न्यूक्लियस है, अब प्लाज्मोगैमी तो हो गया, बट जब यहाँ पे कैरियोगैमी होना है, कैरियोगैमी होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उस टाइम तक, कुछ टाइम तक ये दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं एक ही सेल के अंदर। सो दिस इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक फेज, यानी कि दो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में फ्यूजन हो जाता है एंड देन दिस बिकम कैरियोगैमी, फ्यूजन हो गया, फिर इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, बहुत सारी सेल, मतलब एक से कितनी सेल बन जाएगी, अब इसमें चार सेल बन जाएगी एंड दीज ऑल आर कॉल्ड द बेसिडियोस्पोर, जो किसके अंदर बन रहा है, ये जो बाहर एक बॉडी दिख रही है ना, दैट इज कॉल्ड बेसिडियम एंड अंदर इसके अंदर जो स्पोर्स है, दीज आर कॉल्ड बेसिडियोस्पोर। और ये बेसिडियम बन कहाँ रहा है, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, वही जैसे मैंने आपको, जैसे हम यहाँ बात करते हैं, देखो ये फ्रूटिंग बॉडी यहाँ पे दिखा रखी है, ये फ्रूटिंग बॉडी जो पूरी है, दैट इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। अब इस बेसिडियोकार्प के अंदर ही माइन्यूट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसको हम बोलेंगे बेसिडिया, ठीक है, बेसिडिया या बेसिडियम। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ओके, अगर इसके एग्जांपल देखें तो अगैरिकस, जिसको हम मशरूम बोलते हैं, स्टिलेगो, ये स्मर्ट डिजीज कॉज करता है, पक्सीनिया, दैट इज दी कॉजिंग दी रस्ट डिजीज। तो ये डिजीज याद रखना, पक्सीनिया रस्ट करता है, स्टिलेगो स्मर्ट करता है, देन पफ बॉल्स एंड ब्रैकेट फंगाई। तो देखो एक मशरूम का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जहाँ पे ये पूरा नीचे का स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड माइसीलियम, और यहाँ ऊपर एक स्टाइप, एक स्टैल्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको स्टाइप बोला है, जहाँ पे पूरी फ्रूटिंग बॉडी है, दैट इज बेसिडियोकार्प, जिसके अंदर बेसिडिया एज वेल एज बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट है। ओके, इस ऊपर वाले लेयर को हम बोलते हैं पाइलस एंड द इनर वन, जो आपने अभी कभी मशरूम देखा हो, अंदर की तरफ लाइन 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 रहती है, दैट इज कॉल्ड गिल्स। ओके, समझ में आ रहा है, सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज। सो लास्ट कैटेगरी, दैट इज दी ड्यूटेरोमाइसिटीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगाई, मतलब एक्चुअल में परफेक्ट फंगाई नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज इस फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता, ठीक है, क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता, इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं।
आप इसमें देखो क्या होता है कि अब इसका पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या कभी तो ये किसी क्लास को बिलोंग कर रही है, कभी किसी क्लास को बिलोंग कर रही है, मतलब दूसरी क्लास की तरह कुछ कुछ एक्ट कर रही है, बट इसका इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक लाइफ साइकिल हम नहीं बोल सकते। तो यानी हो सकता है कि कई बार जब इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह एक्ट कर रही है, तो इसको हम रख देते हैं एस्कोमाइसिटिस क्लास में। कई बार हो सकता है कोई और ऐसी स्टेज आई तो उसको हम रख सकते हैं बेसिडियोमाइसिटिस क्लास में। तो डिपेंड कौन सी क्लास स्टेज आ रही है, अकॉर्डिंगली वी कैन पुट इट इनटू एस्को और बेसिडियोमाइसिटिस। ठीक है, तो यानी कि एक परफेक्ट स्टेज आने के बाद इट कैन बी पुट इनटू अनदर क्लासेस। ओके, सेप्रोफाइट्स है, मेनली डिकम्पोजर्स है, मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। पैरासाइट्स है, माइसिलियम कैसा है, ब्रांच एंड सेप्टेट। सिर्फ फाइकोमाइसिटिस का माइसिलियम एसेप्टेट होता है, इसके अलावा बाकी तीनों क्लासेस का ब्रांच और सेप्टेट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्या होता है, कोनिडिया के थ्रू होता है। एनसेक्सुअल तो यहाँ पे है ही नहीं, इट इज़ नॉट नोन, यहाँ पे पता ही नहीं है उसके बारे में। एग्जाम्पल ऑल्टरनेरिया, कॉलियोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बताई है ट्राइकोडर्मा की। देखो ट्राइकोडर्मा है जहाँ पे ये पूरा आप देख रहे हो माइसीलियम विच इज ब्रांच एंड सेप्टेट। देखो तो हर यहाँ पे बार ऐसे जैसे प्लांट होता है ना, ऐसे उसमें भी जनरेट होता है, लाइक दिस यहाँ पे भी जनरेट हो रहा है। मैंने एक तरफ दिखाया, दूसरी तरफ नहीं दिखाया है। दिस इज कोनिडियोफोर, जिसके ऊपर यहाँ पे आप ग्रुप में देख रहे हो दीज ऑल आर कोनिडिया, दीज ऑल आर कोनिडिया। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। समझ में आ रहा है, दिस इज अबाउट ड्यूटेरोमाइसिटिस। सो आई होप पूरा फंगाई आपको क्लियर हुआ होगा, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना, एंड हेयर होल क्लासिफिकेशन। ओके, सो टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो थ्रू कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।